सीतामढ़ी जिले के महसौन निवासी राजकुमार शर्मा, जिनकी उम्र 45 साल है, बीते दिनों सड़क दुर्घटना में इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें राजकुमार शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए थे। उसके बाद परिजनों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत और खराब होती गई। बता दें कि दुर्घटना में राजकुमार शर्मा के सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा था। उनकी दिमागी हालात ठीक नहीं होने के कारण परिजन हमेशा उनके साथ रहते थे, लेकिन एक रात परिजन के सो जाने के बाद राजकुमार शर्मा पटना के IGMS हॉस्पिटल से भाग गए, जिससे हॉस्पिटल प्रशासन में हड़कंप मच गया। CCTV फुटेज को देखने के बाद राजकुमार शर्मा गोला रोड की तरफ जाते हुए दिखे। बता दें कि घटना के कई दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक पीड़ित को खोजने में असफल हुई है। दुर्घटना के बाद से ही घायल व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता है, जिसके चलते परिजन और प्रशासन को खोजने में कठिनाइयां भी हो रही है। यह भी बता दें कि घायल व्यक्ति अधनग्न अवस्था में है, जिसमें पर सिर्फ काले कलर का हाफ पैंट है। इस घटना के बाद परिजन IGIMS अस्पताल की लापरवाही मान रहे हैं।